नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एंट्रेंस दिशा पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड 12th टाइम टेबल 2019 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र बोर्ड का जो है 12th का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और जो आपके एग्ज़ाम हो दोस्तों वो 21 फरवरी से शुरू होंगे और 20 मार्च तक चलेंगे। दोस्तों आपके एग्ज़ाम जो है दो शिफ्टों में होंगे, जिसमें पहली शिफ्ट का पेपर जो है वो 11 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगा और जो दूसरी शिफ्ट का पेपर है वो है शाम को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक चलेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जो सबसे पहले आपका पेपर है वो है 21 फरवरी को पहली शिफ्ट में होगा इंग्लिश का पेपर, इस दिन दूसरी शिफ्ट में पेपर नहीं है। 22 फरवरी को आपका सुबह होगा हिंदी का और दो शाम वाली शिफ्ट में होगा जर्मन, अर्दामकड़ी, पर्शियन, अवेस्ता, पल्लवी लैंग्वेज का पेपर होगा। इसके बाद 23 फरवरी को दोस्तों आपका मराठी, गुजराती, कन्नड़, सिंधी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली लैंग्वेज का पेपर होना है और जो दूसरी शिफ्ट में होगा वो होगा उर्दू, फ्रेंच और पाली लैंग्वेज का पेपर। इसके बाद अगला पेपर है दोस्तों आपका 25 फरवरी 2019 को पहली शिफ्ट में पेपर आपका सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का और फिजिक्स का, श्याम वाली में होगा दोस्तों आपका पॉलिटिकल साइंस का। इसके बाद 26 फरवरी को आपका दूसरी शिफ्ट में पेपर दोस्तों लॉजिक ए का यानी तर्कशास्त्र। इसके बाद 27 फरवरी को आपका दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और केमिस्ट्री का पेपर होगा और दूसरी शिफ्ट में जो होगा वो हिस्ट्री का पेपर होगा। इसके बाद 28 फरवरी को दोस्तों आपका हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन म्यूजिक और दूसरी पाली में आपका इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद अगला पेपर है दोस्तों 2 मार्च को, जिसमें मैथमेटिक्स एंड स्टेटिक्स और मैथमेटिक्स एंड स्टेटिक्स सी का पेपर होगा और शाम वाली शिफ्ट में होगा दोस्तों हिंदी अप्लाइड का। इसके बाद अगला पेपर है दोस्तों आपका 5 मार्च 2019 को, इसमें आपका पहली शिफ्ट में जो पेपर है वो है ऑटोमोबाइल सर्विस टेक्नीशियन, मल्टी स्किल टेक्नीशियन, मल्टी स्किल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल मल्टी स्किल टेक्नीशियन, गार्डनिंग, ऑटोमोबाइल सर्विसेज टेक्नीशियन, रिटेल स्टेट एसोसिएट्स, ड्यूटी असिस्टेंट। इसके बाद दोस्तों 6 फरवरी को आपका सुबह पहली शिफ्ट में जो पेपर होगा वो होगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी और बायोलॉजी का, जो दूसरी शिफ्ट में आपका पेपर वो है फिलोसफी, और 7 मार्च को जो आपका पेपर है वो है सोशियोलॉजी का श्याम वाली शिफ्ट में, और 8 मार्च को आपका पेपर है संस्कृत का पहली शिफ्ट में होगा, और 9 मार्च को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होगा वो भी पहली शिफ्ट में है, और 11 मार्च को दोस्तों आपका टेक्सटाइल का पेपर होगा पहली शिफ्ट में, और दूसरी शिफ्ट में आपका मराठी लिटरेचर का पेपर होगा। इसके बाद दोस्तों 12 मार्च को आपका जियोग्राफी का और दूसरी शिफ्ट में इसी दिन है जापानीज का पेपर। इसके बाद दोस्तों 13 मार्च को आपका हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड अप्रेंटिसन अप्रिसिएशन का और शाम वाले शिफ्ट में होगा आपका डिफेंस स्टडीज़ का। 14 मार्च को दोस्तों आपका कोऑपरेशन का पेपर होगा और जियोलॉजी का इसी दिन, और जो दूसरी शिफ्ट में पेपर होना दोस्तों आपका वो होना है पर्शियन इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बाद 15 मार्च को दोस्तों आपका पहली शिफ्ट में कोई पेपर नहीं है, दूसरी शिफ्ट में है साइकोलॉजी का पेपर होगा, और 16 मार्च को दोस्तों आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंस आर्ट और कॉमर्स का पेपर होना है, और दूसरी शिफ्ट में आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंस आर्ट कॉमर्स ये दूसरी शिफ्ट में भी होगा दोस्तों 3 से 5:30 बजे तक। इसके बाद 16 मार्च को दोस्तों आपका वोकेशनल बाई फोकल कोर्सेस पेपर 1 टेक्निकल ग्रुप पेपर 1 इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस मैकेनिकल मेंटेनेंस इसका पेपर होना है, और शाम वाले शिफ्ट में होगा आपका एजुकेशन का, और इसी दिन सुबह और भी पेपर हैं दोस्तों आपके, जैसे जनरल, सिविल इंजीनियर, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, और कॉमर्स ग्रुप के लिए दोस्तों पेपर 1 है जो बैंकिंग, ऑफिस मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड। इसके बाद है दोस्तों 16 मार्च को ये आपका एग्रीकल्चर ग्रुप के लिए है एनिमल साइंस एंड डेयरिंग, क्रॉप साइंसेज और हॉर्टिकल्चर, और फिशरीज ग्रुप के लिए दोस्तों फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फ्रेश वाटर फिश कल्चर,
इसके बाद 18 मार्च को है दोस्तों आपका जो पहली शिफ्ट में पेपर होना वो है जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान का, और दूसरी शिफ्ट में आपका होगा सामान्य ज्ञान, ये ऑनलाइन परीक्षा होगी दोस्तों। इसके बाद इसी दिन है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंस आर्ट और कॉमर्स का, और अगला पेपर है दोस्तों आपका 19 मार्च को जनरल साइंस फॉर मिलिट्री स्कूल्स, जनरल साइंस फॉर मिलिट्री स्कूल, ये दोस्तों दोनों शिफ्ट में ही पेपर होगा। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंस आर्ट और कॉमर्स के लिए आपका पेपर है इसी दिन। बाई फोकल कोर्सेज पेपर टू टेक्निकल ग्रुप पेपर टू, इसमें दोस्तों इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, मैकेनिकल मेंटेनेंस, स्कूटर एंड मोटरसाइकिल सर्विसिंग, इसका पेपर होना है। और शाम वाली शिफ्ट में इसी दिन होगा आपका ऑक्यूपेशनल ओरिएंटेशन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का पेपर। इसके बाद दोस्तों आपका 19 मार्च को ये पेपर जो है वो है जनरल सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस का, और कॉमर्स ग्रुप के लिए है इसकी बैंकिंग ऑफिस मैनेजमेंट मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप, और एग्रीकल्चर ग्रुप के लिए है एनिमल साइंस एंड डेयरिंग क्रॉप साइंस हॉर्टिकल्चर, और फिशरीज के लिए है फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी फ्रेश वाटर फिश कल्चर। इसके बाद दोस्तों आपका आखिरी पेपर जो वो है 20 तारीख को, 20 मार्च को आपका पेपर होगा जनरल साइंस फॉर मिलिट्री स्कूल, और शाम वाले शिफ्ट में भी है दोस्तों जनरल नॉलेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन है ये भी मिलिट्री स्कूल के लिए। और दूसरा पेपर होगा दोस्तों इसी दिन रशियन और अरेबिक लैंग्वेज का पहले शिफ्ट में, और दूसरी शिफ्ट में जो पेपर होगा वो होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनिमल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी वेबसाइट www.entrancedisha.com पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी देंगे जिस पर क्लिक करके आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस दिशा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।